जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं कि यात्रा यहाँ निकल चुकी है और हजारों की संख्या में भीड़ आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश, देखिए प्रसाद लेने के लिए लोग दौड़ रहे हैं और एक तरीके हाथ बढ़ा रहे हैं और प्रसाद देने की यात्रा ये सुन चुकी है। और ये यहाँ से लेकर इस्कॉन टेम्पल से लेकर गोरिया मठ तक जाएगी और ऐसे ही ये हुजूम चलता रहेगा, जिसमें घोड़े और नाच गाने करते हुए नाचते हुए ये तस्वीरें आपको दिखाई। 30 साल से इस पटना से नहीं ये किया जा रहा है, औरतें बच्चे सब इसमें शामिल हैं और जो जगन्नाथ यात्रा में निकले हुए हैं। और देख सकते हैं कि यात्रा में लोगों की हुजूम आपको दिखाई दे रही है और जिसमें महिलाएँ हैं, तमाम लोग हैं। क्या कहने यात्रा को लेकर, रथ यात्रा महोत्सव आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भक्ति आंदोलन के लिए बहुत बहुत। और भी हम लोगों से बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं भगवत गीता भी दे रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। क्या यात्रा को लेकर, बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम भी आए हैं यात्रा में, लड़कियां भी हैं और यात्रा के लिए काफी उत्साहित हैं। और प्रसाद लेने की जिस तरीके से होड़ मची हुई है कि प्रसाद जिस जगन्नाथ भगवान के जो लिया जाए लोगों में, देखिए लोग हाथ बढ़ाकर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से प्रसाद दिया जा रहा है और भीड़ अब से। और कैसा जगन्नाथ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत देश विदेश से सब भक्त लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ रहते यात्रा में जा रही हैं और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़की आप भी यात्रा में जा रही हैं। जी हाँ। कैसा लग रहा है यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है यात्रा, बहुत अच्छा लग रही है। और भी हैं यात्रा में जा रही हैं जी। प्रभु जी कैसा यात्रा जगन्नाथ? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरा है ये एक्सपीरियंस, काफी अच्छा लग रहा है। नहीं कैसे, पहले फर्स्ट टाइम नहीं। लोगों के ये हुजूम है और लोग धीरे धीरे यात्रा को लेकर बढ़ रहे हैं और ये यात्रा मीठापुर तक जाएगी। और इसको लेकर जो आप जो एक तरीके से भगवान के प्रति, जगन्नाथ भगवान के प्रति लोगों का काफ़ी उत्साह है और वही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी यात्रा में जा रहे हैं। हम मैं भी यात्रा में हूँ, मेरा नाम अमृत अभिजात है जी। मैं एडवोकेट हूँ पटना हाईकोर्ट में, हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता हूँ। और आज समस्या था, बहुत सारे मैटर्स लगे हुए थे लेकिन भगवान जगन्नाथ 1:15 तक सारा मैटर करवा के बोले कि आ जाओ यात्रा में और मैं आ गया। ये आस्था का एक होता है कि आदमी बिल्कुल बिल्कुल भगवान ने सारा केस पहले करवा दिया आश्चर्यजनक रूप से और मैं यात्रा में आ गया। देख सकते हैं कि ये वकील कहते हैं कि एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि हमने केस जल्दी जल्दी खत्म हो गया और वो यात्रा में शामिल हुए। मतलब लोगों का उत्साह एक देख सकते हैं इस यात्रा को लेकर काफी बना हुआ है। सहयोगी डब्लू के साथ में राजीव कमल, भारत न्यूज 24।